Hello everyone, myself Anushra Soni. Today we will discuss about the process of data analysis and data screening. Apart from this, we will learn in this lecture about missing values, outliers, skewness, kurtosis, linearity and homogeneity. I have already explained the introduction of data analysis in my earlier lecture. I will provide you the link in the description of this video. सो वो डेटा एनालिसिस डेटा एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी डेटा सेट अवेलेबल है और उससे एक तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं, डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, डेटा की क्लीनिंग करते हैं और उस क्लीनिंग के बाद जो डेटा हमको मिलता है उसका एनालिसिस करके उसका एक मॉडल प्रिपेयर करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जितना भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उससे कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं जो हमें सपोर्ट करेंगे किसमें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। सो डेटा एनालिसिस प्रोसेस के डिफरेंट फेजेस हैं। उन फेजेस में कौन कौन से फेजेस हैं, डेटा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सेकंड वन इज़ डेटा कलेक्शन, थर्ड वन इज़ डेटा प्रोसेसिंग, फोर्थ डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। सो बाय फॉलोइंग ऑल दीज फेजेस वी कैन एनालाइज अ डेटा और वी कैन ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम एन इंफॉर्मेशन टू अ रिक्वायर्ड कंटेंट। So what data requirement specifications are? Data requirement specifications are based on experiment. First we will analyze that what are we doing, कि हम करने क्या वाले हैं। तो अगर जो भी analysis हम करने वाले हैं उसके लिए पहले हम क्या देखेंगे कि population यानी samples देखेंगे कि हमारे पास जो samples available हैं वो कौन से samples available हैं, फिर उससे हम ये निकालेंगे कि हमारे पास data requirements निकालेंगे and then हम उस पर variable identify करेंगे कि हमें कौन कौन से variables चाहिए इस experiment को perform करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर हमें कोई भी पॉपुलेशन ऑफ पीपल गिवन है तो वो पॉपुलेशन ऑफ पीपल गिवन के वो मेरा एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि मुझे उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है या फिर एनालिसिस करना है। तो अब मुझे उसके लिए वेरिएबल्स चाहिए। तो वेरिएबल्स क्या चाहिए, वेरिएबल्स हो सकते हैं एज हो सकती है, इनकम हो सकता है, पॉपुलेशन की इलनेस हो सकती है, उस पॉपुलेशन में डिफरेंट सैंपल्स हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, मेल में, फीमेल में, किड्स में, एज के अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सो ये जो पॉपुलेशन है ये मेरा डेटा है और इस डेटा को देखकर मुझे क्या निकालना है कि रिक्वायरमेंट मेरी क्या क्या है वो निकालना है। सेकंड वन इज़ डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन क्या है कि इन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और डेटा को कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्शन ये भी इंश्योर करता है कि जो डेटा मेरे पास गैदर्ड है वो एक्यूरेट है या नहीं है और वो मेरा एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है। थर्ड वन इज़ डेटा प्रोसेसिंग। तो अब मैंने क्या कर लिया, डेटा रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद डेटा को कलेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, उस डेटा को प्रोसेस करना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है एनालिसिस के लिए। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, डेटा जैसे फॉर एग्जांपल डेटा को हम रो एंड कॉलम्स या फिर टेबल्स के अंदर स्ट्रक्चर कर सकते हैं या फिर किसी स्प्रेडशीट के अंदर स्ट्रक्चर कर सकते हैं या फिर कोई मैं मॉडल लगाकर उस डेटा को प्रोसेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि डेटा प्रोसेस करने के लिए मुझे कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। फोर्थ वन इज़ डेटा क्लीनिंग। अब अगर मेरे पास डेटा अवेलेबल है तो मैं उसमें ये देखूंगी कि कहीं कोई डेटा इनकम्प्लीट तो नहीं है और कहीं कोई डेटा एक्स्ट्रा तो नहीं है। तो डेटा क्लीनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एक्स्ट्रा डेटा एंड प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ इनकम्प्लीट। तो जो भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी मैं उसको क्या करूँगी, कम्प्लीट करने की कोशिश करूँगी बाय द पास्ट डेटा और बाय द डेटा सेट अवेलेबल टू अस। फिफ्थ वन इज़ डेटा एनालिसिस। नाउ अब हमको क्या करना है कि डिफरेंट डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स लगाकर इस डेटा को रिक्वायर्ड फॉर्मेट में लाना है। हम डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं या फिर एग्जामिन करते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में, जिससे हम क्या कर सकें, उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। इसमें कुछ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे मुझे डिफरेंट रिलेशंस मिल सके डेटा वेरिएबल्स के बीच में। ना लास्ट वन इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो रिज़ल्ट आया है हमारा डेटा एनालिसिस का उसको किसी ना किसी फॉर्मेट में मुझे क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प कर सके। और इसमें हमें क्या करना होता है, यूज़र्स का
फीडबैक लेना होता है और उस फीडबैक को इस एनालिसिस में एज एडिशनल एनालिसिस इंक्लूड करना होता है. सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस, दैट हाउ डेटा एनालिसिस विल प्रोसीड फ्रॉम डेटा सेट टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. नाउ डेटा स्क्रीनिंग, स्टार्टिंग में अगर हम कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो वो आगे भी गलत ही होगी. इस थॉट को देखते हुए हम डेटा की स्क्रीनिंग करते हैं. डेटा स्क्रीनिंग क्या होती है? डेटा स्क्रीनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो क्लीन है और रेडी है कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए, कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए. डेटा को हम स्क्रीन करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि डेटा जो है वो हमारा यूजेबल है, रिलायबल है और टेस्टिंग के लिए वैलिड है. सो डेटा स्क्रीनिंग का क्या पर्पस होता है? डिटेक्ट और करेक्ट डेटा एरर्स, डिटेक्ट और ट्रीट मिसिंग डेटा, डिटेक्ट एंड हैंडल इनसफिशिएंटली सैम्पल्ड वेरिएबल्स, कंडक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन, डिटेक्ट एंड हैंडल आउटलियर. सो दीज आर द पर्पस ऑफ डेटा स्क्रीनिंग. एरर्स को हटाना और डिटेक्ट करना, मिसिंग डेटा को ट्रीट करना और डिटेक्ट करना. अगर हमने इनसफिशियंटली किसी भी वेरिएबल्स को सैम्पल कर लिया है तो उसको रिमूव करना, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन और स्टैंडर्डाइजेशन है उनको कंडक्ट करना और आउटलेयर्स को रिमूव करना. सो स्क्रीनिंग डेटा के अंदर क्या क्या आते हैं? हमारे मिसिंग डेटा, आउटलेयर्स, नॉर्मैलिटी, लीनियरिटी एंड होमोसिडेसिटी. सो मिसिंग डेटा इज, मिसिंग डेटा वो डेटा होगा जिसकी की इंफॉर्मेशन हमारे पास इनकम्प्लीट है. अगर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं डेटा को एनालिसिस नहीं कर पाऊंगी. तो इसलिए मिसिंग डेटा को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब मिसिंग डेटा किस किस फॉर्म में हो सकता है? पैटर्न के फॉर्म में भी हो सकता है कि कोई पैटर्न चलता आ रहा है और वो पैटर्न आगे रिकवर नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो गया, मेरा डेटा मिसिंग हो गया. और इट कैन बी इन रैंडम फॉर्म. अगर अमाउंट ऑफ मिसिंग डेटा बहुत कम है तो हम बिना मिसिंग डेटा को फाइंड आउट के आगे प्रोसीड कर सकते हैं. अब मिसिंग डेटा एक प्रॉब्लम क्यों है? फर्स्ट वन कि इनसफिशिएंट अमाउंट फॉर एनालिसिस. हमारे पास इनसफिशिएंट अमाउंट होगा अगर डेटा मिसिंग होगा तो. अब स्मॉल सैंपल में तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर सैंपल हमारा बड़ा होगा तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आएगी. और स्मॉल सैंपल में भी अगर इनसफिशिएंट डेटा होगा तो वहाँ पे हमें उस डेटा को रिकवर करने की ज़रूरत पड़ेगी. सेकेंड वन इज़ बायस सैम्पलिंग. मिसिंग डेटा बायस इश्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमने जेंडर की बात की है और फीमेल्स ने बहुत कम रिपोर्ट किया है एज़ कम्पेयर टू मेल. कोई भी अगर हम सर्वे कर रहे हैं और उसमें फीमेल से बहुत ज़्यादा कम रिपोर्ट किया है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो बायस्ड होगा टूवर्ड्स मेल, बिकॉज फीमेल डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट सर्वे एंड फीमेल्स डिड नॉट represent their issues, what are their thoughts and what are their issues. So my decision is biased towards me. So these are the problems regarding missing data. अब missing data क्या जो treatment है वो क्या है कि हम क्या कर सकते हैं? Descriptive analysis कर सकते हैं again, और कुछ cases और variables को delete कर सकते हैं. Missing data को estimate कर सकते हैं. Missing data के correlation matrix को use कर सकते हैं और analysis को वापस repeat कर सकते हैं with or without missing data. Now second one is outlier. Outlier क्या होता है? As seen in the example, all the scatters or all the plots are near the straight line. मतलब ये straight line क्या हो गई? हमारी model generate हो गई. अब straight line के around जितने भी plots हैं ये हमारे क्या attributes के plots हैं, लेकिन वन इज़ फार बियॉन्ड दीज ऑल द प्लॉट्स. लेकिन कुछ एक ऐसा प्लॉट है, कुछ एक ऐसा ट्रिब्यूट है जो कि बहुत ज़्यादा फार बियॉन्ड है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे आउटलेयर, जिनको हमारा मॉडल कवर नहीं कर पा रहा है जनरेशन फेज में. इनको हम बोलते हैं आउटलेयर्स और इनको हम हमारे डेटा से रिमूव कर सकते हैं. तो अगर हमारे पास बहुत बड़ा सैम्पल साइज है तो हमें आउटलेयर्स रिमूव करने होते हैं, और अगर हम बहुत ज़्यादा छोटे सैम्पल साइज़ के साथ कर रहे हैं तो हमें आउटलेयर्स को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इनसफिशिएंट डेटा है. थर्ड वन इज़ नॉर्मैलिटी. नॉर्मैलिटी एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है फॉर अ पर्टिकुलर वेरिएबल, कि जो एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है.
हम नॉर्मली जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करते हैं, अगर वो नहीं होता है तो भी हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही अज्यूम करते हैं। अब नॉर्मैलिटी के जो असेस करने का तरीका है वो क्या क्या है, नॉर्मैलिटी को हम किस किस तरीके से असेस कर सकते हैं, शेप से एक्सेस कर सकते हैं, स्क्यूनेस से असेस कर सकते हैं और कुटोसिस से उसे असेस कर सकते हैं। शेप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप है, अगर वो शेप हमारे डेटा सेट का है, हमारे वेरिएबल के डेटा सेट का है, तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर वो उस कर्व को मैच नहीं कर रहा है तो हम ये मानेंगे कि हमारे नॉर्मैलिटी वाले डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ना कोई इशू है। जैसे अगर कोई बेल शेप्ड या फिर यूनिमॉडल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेल शेप्ड होता है। कब होता है, जब फ्रीक्वेंसी फर्स्ट स्टेडिली क्या होती है, राइज करती है एंड देन फॉल करती है, और इनमें मीन, मीडियन एंड मोड बोथ आर इक्वल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल या फिर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। सेकेंड वन इज स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मीनिंग है कि जो रेस्पॉन्सेज हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी एक साइड पर, किसी भी एक एंड स्केल पर हैवीली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो स्क्यूड कब कहलाता है, जब मीन और मीडियन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट आती है, मतलब इक्वल नहीं होगी, मीन एंड मीडियम डिफरेंट डिफरेंट होगी और बैलेंस्ड नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कर्व तो कौन सा होगा, जो कि बैलेंस्ड होगा, फॉल एंड राइज इक्वल होंगे। पॉजिटिव स्क्यू कब होगा, कि जब हमारा फॉल राइट साइड पर ज़्यादा हो रहा है तो वो पॉजिटिव स्क्यू हो गया, और जब हमारा फॉल लेफ्ट साइड पर ज़्यादा हो रहा है तो वो नेगेटिव स्क्यू हो गया। इफ़ योर स्क्यूनेस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन वन, इफ़ यू आर पॉजिटिव स्क्यूड, इफ़ वी आर स्क्यूड एट द राइट, पॉजिटिव स्क्यूनेस इंडिकेट्स अ लॉन्ग राइट टेल। अगर टेल हमारी राइट की तरफ जा रही है तो क्या कहलाता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस कहलाता है। और अगर हमारी वैल्यू माइनस वन है तो हम क्या कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव स्क्यू में जा रहे हैं, और इसमें टेल किधर के साइड पर होगा, हमारा लेफ्ट साइड पे होगा। यहाँ पे मीन मोड जो होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू मीन एंड मीडियन। नाउ कुटोसिस, कुटोसिस अनादर मेजरमेंट है शेप ऑफ अ फ्रीक्वेंसी कर्व का, मतलब जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उस कर्व को, कर्व का शेप अगर हम देखें तो उसको किससे मेज़र करते हैं, हम कुटोसिस से मेज़र करते हैं। कुटोसिस एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग क्या होता है, कर्व्ड, आर्चिंग और बल्जीनेस, मतलब कर्विनेस, आर्चीनेस और बल्जीनेस से हमें पता लगाएंगे कि हमारी कुटोसिस कैसी है और हमारा जो वेरिएबल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यहाँ पे स्क्यूनेस जो होती है वो तो असिमेट्री शो करती है, लेकिन कुटोसिस क्या होता है, डिग्री ऑफ पीकनेस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील करता है। कार्ल पियर्सन ने क्या किया है, इसको कुटोसिस को थ्री कर्व्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप ऑफ द पीक्स, मेसोकोटिक, लिपोकोटिक एंड प्लेकोटिक। मेसोक्रोटिक तो वो कर्व होता है जो कि सेम एज इट इज़ होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा, तो वो हो गया मेसोक्रोटिक। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन मोर पीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मोर पीक है, यानी उसका जो पीकनेस है वो ज़्यादा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो उसको हम बोलेंगे लेपोक्रोटिक। और अगर उसका पीकनेस बहुत कम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व से, तो उसको हम बोलते हैं प्लेटिकोटिक। अब लिनियारिटी, लिनियारिटी वो होती है जहाँ पर कि जो रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स के बीच में वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स होता है उसको हम मेज़र करते हैं स्कैटर प्लॉट से। अगर दोनों वेरिएबल्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और लिनियरली रिलेटेड होंगे तो उनका जो स्कैटर प्लॉट होगा वो ओवल शेप का होगा, लेकिन कोई भी एक वेरिएबल अगर नॉन नॉर्मल हो गया तो उनके जो स्कैटर प्लॉट हो गया वो ओवल नहीं होगा। सो दिस बाय the oval shape of a scatter plot we can say that the both variables are normally distributed, and if the scatter plot shape is not oval shape then we can say that any one of the variable is non-normal distribution. So straight line relationship between two variables are, in the first one there is a linear relationship, second one also there is a linear relationship, but in third one there is no linear relationship between the two variables. There is a point called scatter plot. So let's see what scatter plot is. A scatter plot is a graph of two variables with dot to represent each observation. यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि दो variables हैं मेरे, income और occupy, तो यहाँ पे मैं उन सब का प्लॉट डॉट्स के रिस्पेक्ट में एक प्लॉट निकाल लूँगी दोनों वेरिएबल्स के बीच में, वो क्या कहलाएगा, मेरा स्कैटर प्लॉट कहलाएगा।
ना होमोसिडेसिटी। होमोसिडेसिटी ये शो करता है कि जब भी ऑल रैंडम वेरिएबल्स की वेरियंस जो होगी वो सेम होगी, जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे रैंडम वेरिएबल्स अगर मैं निकालूँ और उनकी वेरियंस सेम होती है तो वो क्या कहलाता है, आपका होमोसिडेसिटी कहलाता है। तो हम हमारे डेटा सेट की होमोसिडेसिटी भी चेक करते हैं कि इनके वेरिएबल्स वेरियंस जो है वेरिएबल्स की वो सेम है या फिर नहीं है। यहाँ पर थ्री एग्जाम्पल्स हैं, ग्राफ ए जो है वो होमोसिडेसिटी दिखा रहा है लेकिन ग्राफ बी और ग्राफ सी होमोसिडेसिटी नहीं दिखा रहा है। ग्राफ ए होमोसिडेसिटी कैसे दिखा रहा है कि इसमें जितनी लेंथ वेरी कर रही है उतनी ही विड्थ वेरी करी है। जैसे एक एक्सिस पे हम लेंथ ले लें और एक एक्सिस पे हम विड्थ ले लें, तो जितनी लेंथ वेरी कर रही है उतनी विड्थ वेरी कर रही है, तो इसमें क्या हो गया, इनकी जो वेरियंस होगी वो सेम होगी। लेकिन इन द सेकेंड एंड थर्ड प्लॉट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द विड्थ values. So these two graph does not follow the homoscedasticity, but the graph one have homoscedasticity in its variables and the data set. Thank you.